से खबर है जहां पर कॉलोनियों में लगे चुनाव बहिष्कार के पोस्टर, बैनर में सड़क पानी जैसे मुद्दे का जिक्र लिखा हुआ है। वोट मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें, नर्मदा जल नहीं तो वोट नहीं के लगे हैं पोस्टर। कोलार के डीके होम्स में लगे ये बैनर पोस्टर, रहवासियों ने भी किया मतदान का बहिष्कार। राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र तो छोड़ दीजिए कि वहां विकास नहीं पहुंचता, वहां पानी मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाती सरकार। यहां भोपाल की एक कॉलोनी का ये नजारा है जहां पर बाकायदा पोस्टर में लिखा गया है कि वोट मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें, क्योंकि जो मूलभूत समस्या है खासतौर पर नर्मदा जल तक हमें यदि उपलब्ध नहीं है, मयस्सर नहीं है, तो फिर केवल घोषणाएं नहीं, हमें स्वच्छ जल की आवश्यकता है, स्वच्छता की आवश्यकता है। और इस तरह के बैनर पोस्टर भोपाल में दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बुगुल बच चुका है, इसके साथ ही राजधानी भोपाल में सड़क पानी जैसी सुविधाओं जैसे मुद्दे भी उठने लगे हैं। वहीं अब जो है रेवासी भी इन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं अपने जो बहिष्कार का, चुनाव के बहिष्कार का जो है पोस्टर भी लगाना शुरू कर दिया है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं ये होशंगाबाद रोड स्थित दानिश नगर के जो रेवासी है, उन्होंने अपने घर के बाहर ये पोस्टर लगाया। उन्होंने साफ जाहिर किया है पोस्टर पर, लिखा है कि ना भीख मांग रहा है ना दांग मांग रहा है, हम करदाता अपना अधिकार मांग रहा है, स्वच्छ नर जल दे दो सरकार। ये कुल मिलाकर माना जाए तो स्वच्छ नर्मदा जल की लगातार मांग करते गए। इससे पहले भी इन्होंने प्रदर्शन किया था इस दानिश नगर में, लेकिन जो जो मुद्दे उठा रहे हैं लगातार, ऐसी राजधानी भोपाल की कई तीन कॉलोनियां हैं जो लगातार जनता है इन मुद्दों को लेकर जो है बहिष्कार करते हुए नजर आ रही है। एक और पोस्टर आपको दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं कि केवल घोषणाएं नहीं, हमें स्वच्छ नर्मदा जल चाहिए। कुल मिलाकर माना जाए कि राजधानी भोपाल के जो रहवासी हैं, जो मूलभूत उनकी सुविधा है, उन मुद्दों को लेकर लगातार पोस्टर के जरिए वो अपनी मांग कर रहा है और चुनाव का बहिष्कार भी कर रहा है। कैमरामैन श्रीकांत के साथ सनी मालविया, INS News भोपाल।